Hello student, today we are learning class 11 commerce account. Okay, in account our topic is running bank reconciliation statement, bank samadhan. Okay, in this topic today we will learn when there is a credit balance or overdraft in case book. Okay, जब case book का credit balance रहे या overdraft रहे तब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन कौन से अमाउंट को कौन कौन से ट्रांजेक्शन को ऐड करना है, कौन से को लेस करना है. हमने पिछले वीडियो में देखा जो केसबुक का डेबिट बैलेंस है तब कौन से ट्रांजेक्शन को ऐड करना रहता है और कौन से को लेस करना रहता है. ठीक है, पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया था जितने भी ट्रांजेक्शन केसबुक में क्रेडिट किए जाते हैं या पासबुक में क्रेडिट किए जाते हैं उनको ऐड करना रहता है, और जिन ट्रांजेक्शन को केसबुक में डेबिट किया जाता है और पासबुक में भी डेबिट किया जाता है उनको लेस करना. कौन से बैलेंस में? केसबुक के डेबिट बैलेंस. ठीक है, और फिर जो आंसर आता है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस रहता है. ठीक, पिछले वीडियो की बात हुई है, अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे जब केसबुक का क्रेडिट बैलेंस रहे या ओवरड्राफ्ट रहे. ठीक है, केसबुक का तो कौन से ट्रांजेक्शन को ऐड करना रहता है और कौन कौन से ट्रांजेक्शन को लेस. ठीक, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिट बैलेंस ऑफ केसबुक. ठीक है, हमने अगर हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट बैलेंस है केसबुक के तब. ठीक है, ये मेन बात आपको याद रखना है हमेशा कि आप कौन से बैलेंस को लेकर स्टार्ट कर रहे हो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना. ठीक है, बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये याद अच्छे से ध्यान रखना है कि हमने ऊपर जो लिखा है स्टार्टिंग में वो कौन सा बैलेंस है और किसका बैलेंस है, केसबुक का या पासबुक का. ठीक, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा सारे ट्रांजेक्शन को ऐड करना है या लेस करना है. ठीक, हमने स्टार्ट किया क्रेडिट बैलेंस है केसबुक के. ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था केसबुक के डेबिट बैलेंस में कौन से ट्रांजेक्शन को ऐड किया जाएगा कौन से को लेस. ओके, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं आपके लिए कि ये मेन फोकस आपको यहां करना है कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है और किसका है, केसबुक का या पासबुक का. ठीक, अब हम देख रहे हैं, मैंने इसके पहले वीडियो में आपको पूरा समझाया है केसबुक का डेबिट बैलेंस था उसमें. ठीक, अब क्रेडिट बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं अगर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना तो कौन से पर ऐड करेंगे कौन से लेस करेंगे. फर्स्ट ट्रांजेक्शन चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स रिसीवर, इट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन अवर अकाउंट. हमने चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स रिसीवर डिपॉजिट करवाया किसमें, बैंक में, बट अभी तक उसका कलेक्शन नहीं हुआ या क्रेडिट नहीं हुआ हमारे अकाउंट में. अब मेन समझने वाली बात यह है कि अगर आप चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल रिसीवर बैंक में जमा करवाते हो या कस्टमर जमा करवाता है या बिजनेसमैन जमा करवाता है, ठीक है, तो वो अपने यहां पर केसबुक बनाता है. ठीक है, कस्टमर अपने यहां केसबुक बनाता है, केसबुक में वो लिखेगा डेबिट साइड बैंक वाले को ये सारी चीजें जो जो उसने जमा करवाया, इस साइड में लिखेगा केसबुक के डेबिट साइड में बैंक वाले को लगा उसने लिखा, बट उसने जब एंट्री करवाई, ठीक है, बैंक में जाकर बैंक में जमा करवाया, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, चेक, बिल्स रिसीवर ये जमा करवाया, जमा करवा दिया, मतलब जब निकला अपने ऑफिस से तब वो केसबुक बनाकर निकला. ठीक है, केसबुक में सारी एंट्री करके निकला,
फिर बैंक में गया, बैंक में जमा करवा दिया, एक 3 या 4 5 दिन बाद उसने एंट्री करवाई, तब उसकी एंट्री में आ रहा है, पता चला कि क्रेडिट नहीं किया बैंक ने, मीन्स बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट या पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो ऐसे ट्रांजेक्शन हमें ऐड करना है, जोड़ना है कौन से बैलेंस में, केस बुक की क्रेडिट बैलेंस। सेकेंड है बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड एक्सपेंसेस, कमीशन ईटीसी चार्ज बाय बैंक। ठीक है, अगर बैंक ने चार्ज लगाया है इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट एक्सपेंसेस खर्चे कमीशन किसी भी प्रकार का अगर बैंक ने चार्ज लगाया आपके ऊपर, तो बैंक पासबुक में डेबिट साइड में लिखेगी, मीन्स डेबिट करेगी ये सारे एक्सपेंसेस को बैंक। अब डेबिट किया बैंक ने और वो अभी तक उस चार्ज की जानकारी बिजनेसमैन को कस्टमर को नहीं मिली और उसने केस बुक में क्रेडिट नहीं किया, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी हमें एड करना है कौन से बैलेंस में, केस बुक के क्रेडिट बैलेंस, मीन्स हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे क्रेडिट बैलेंस ऑफ केस बुक से। ठीक है, तो उसमें एड करेंगे। पहला क्या हुआ था, जो केस बुक में हमने डेबिट किया वो ट्रांजेक्शन एड करना है, पासबुक में भी डेबिट किया गया ट्रांजेक्शन एड करना। ठीक, थर्ड है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन कंपनी बिहाफ एंड अथॉरिटी बट नॉट इंटर्ड इन द केस बुक। डायरेक्ट पेमेंट किया बैंक ने कंपनी की तरफ से, या कंपनी ने उसे अथॉरिटी दी है कि आप ही पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हो, किसे, जैसे इंश्योरेंस की किस्त देना या किसी भी प्रकार का लोन लिया उसकी प्रीमियम डिपॉजिट करवाना, तो डायरेक्टली बैंक से कट जाती है। अब बैंक से डायरेक्टली कट गई हो प्रीमियम, बट उसकी जानकारी केस बुक तक या बिजनेसमैन तक नहीं आई, बिजनेसमैन तक नहीं आई तो केस बुक में वो एंटर्ड नहीं हुआ। अब बैंक ने तो पेमेंट किया, बैंक तो आपके अकाउंट को डेबिट कर देगी, ठीक है, पर जानकारी नहीं मिली तो क्रेडिट नहीं हुआ केस बुक में। डेबिट बैंक ने कर दिया तो इस ट्रांजेक्शन को भी हम ऐड करेंगे, इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को भी ऐड करेंगे हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्काउंटेड बिल्स डिसऑनर्ड बट नॉट इंटर्ड इन द केस बुक। अब एक बिल आपने डिपॉजिट करवाया था बैंक में, डिस्काउंट पर उसका पैसा ले लिया था बैंक से, बैंक के पास वो बिल रखा था, बैंक ने पैसा निकालना जब डेट आई या निकाला बैंक ने, तो पता चला डिसऑनर्ड हो गया, मीन्स अनादृत हो गया वो बिल। हो सकता है उसकी डेट निकल गई हो या जिसका बिल था उसके पास पैसा नहीं हो, उसके अकाउंट में पैसा नहीं, ठीक, डिसऑनर्ड हो गया हो, उसकी जानकारी केस बुक तक यानी कस्टमर तक नहीं आई, बिजनेसमैन तक नहीं आई, बैंक ने तो उसे डेबिट कर दिया कस्टमर के अकाउंट में डिसऑनर्ड बिल को, बट केस बुक में वो एंट्री नहीं हुई, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी हम एड करेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब आपको ये चीज मैं जो बता रहा हूं इनसे आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि जो जो ट्रांजेक्शन डेबिट किए जाते हैं, चाहे वो केस बुक में हो चाहे पासबुक में, डेबिट ट्रांजेक्शन को एड करना रहता है कौन से बैलेंस में, केस बुक की क्रेडिट बैलेंस में। अब आपको अच्छे से ये समझना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते सही, कि इस ट्रांजेक्शन को कौन लिखेगा और किस साइड में लिखेगा, मीन्स बैंक लिखेगी, जैसे डिसऑनर्ड बिल था बैंक में अनादृत हुआ हो तो बैंक लिखेगी उसे, किस साइड में लिखेगी, डेबिट साइड में लिखेगी, मतलब एड करेंगे हम कौन से बैलेंस में, केस बुक के क्रेडिट बैलेंस में।
इसके अलावा जैसे बैंक चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, ये सब कुछ जमा करवाया अपने बैंक में। अब आपने जमा कराया, कस्टमर ने जमा करवाया, तो कहाँ लिखेगा वो? केसबुक में लिखेगा, क्योंकि वो जमा करवा रहा है तो कुछ लिखेगा पहले, और किस साइड में लिखेगा वो? डेबिट साइड में, ठीक है। जो चीजें बैंक में जाती है, बैंक में डिपॉजिट होती है, वो डेबिट साइड में लिखी जाती है, डेबिट करेगा वो, तो डेबिट किया मतलब एड करना है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज स्टार्ट करने से पहले बताया कि आपको पहले ये ध्यान रखना है, सबसे पहली बात कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, मीन्स कौन से बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, केसबुक का है, पासबुक का, ठीक है, वो लिखना रहेगा सबसे पहले। हमें मेन रहेगा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को ध्यान रखना, क्योंकि अपोजिट हो जाता है ये सारे एड और लेस करना। अगर यहां डेबिट बैलेंस रहता तो मैंने ये सारी चीजें एड वाली लेस बताई, लेस वाले एड वाले में बताई, ठीक है। तो हमने क्रेडिट बैलेंस बना रहे हैं ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई एड करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में जो डेबिट होगा ट्रांजेक्शन, चाहे केसबुक में डेबिट होगा या पासबुक, उसे एड करना है। अब लेस वाला देखते हैं, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन द बैंक। चेक इशू किया, चेक से पेमेंट किया बिजनेसमैन ने, ठीक है, कस्टमर को या उसके जो भी ग्राहक थे उनको दिया। अब वो पेमेंट के लिए बैंक तक नहीं पहुंचा, यानी वो चेक नहीं पहुंचा बैंक तक, कस्टमर ने लेकर अपने पास रख लिया, कुछ समय बाद करवाया होगा, पर जब तक उसने एंट्री करवाई बिजनेस में तब तक वो पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा था। अब पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा तो पासबुक में एंट्री नहीं होगी उसकी, मींस पासबुक में डेबिट नहीं होगा, वो बैंक डेबिट नहीं करेगी कस्टमर के अकाउंट में। बट यहां केसबुक में तो जब पेमेंट किया था चेक से उसी वक्त क्रेडिट कर दिया था केसबुक में, ठीक है, इसे हम इस ट्रांजेक्शन को लेस करेंगे। सेकेंड है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन केसबुक। अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, क्रेडिट किया उसे कस्टमर के अकाउंट में, पासबुक में क्रेडिट लिखा हुआ बट इंटर्ड नहीं हुआ केसबुक में, केसबुक में नहीं लिखा गया वो, क्योंकि बैंक देती है बैंक ब्याज, तो सबसे पहले बैंक अपने यहां पर पासबुक बनाती है, पासबुक में लिख देगी वो। अब उसकी जानकारी कस्टमर तक नहीं पहुंची तो उसने केसबुक में नहीं लिखा, इस ट्रांजेक्शन को भी हम लेस कर देंगे। कौन से कौन? जब बैंक इंटरेस्ट क्रिएट करती है पासबुक में। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड बिल्स रिसीवर कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन द केसबुक। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट प्राप्त किया इन्वेस्टमेंट पर, डिविडेंड लाभांश प्राप्त किया, बिल्स रिसीवर प्राप्त किया, क्रेडिट भी कर लिया बैंक में, बट वो केसबुक में डेबिट नहीं हुआ, इस ट्रांजेक्शन को भी हम लेस करेंगे। ठीक है, कौन से बैलेंस में? क्रेडिट बैलेंस और केसबुक। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द कंसर्न्ड बैंक अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन द केसबुक। अब डायरेक्टली डिपॉजिट कराया कस्टमर ने व्यापारी के खाते में, इस व्यापारी के खाते में डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ तो पासबुक में क्रेडिट करेगी बैंक, क्रेडिट किया बट अभी तक उसका केसबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो इस ट्रांजेक्शन को भी हमें लेस करना है। अब मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं या आप समझना चाहें ये समझ सकते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन डेबिट की दिया जाता है, चाहे वो केसबुक में डेबिट किए हैं या पासबुक में, उन्हें एड करना है, जोड़ना है, कौन से बैलेंस में? क्रेडिट बैलेंस ऑफ केसबुक, और लेस करना है
क्रेडिट ट्रांजेक्शन को, यानी कि जो क्रेडिट किए हैं, चाहे वो केस बुक में क्रेडिट हो या पासबुक में क्रेडिट हो, उन्हें लेस करना है। ठीक है, हमें मेन फोकस यहां से लेकर चलना है, यहां पर करना है। क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए केस बुक का, तब मैंने जो रूल बताया आपको, डेबिट को एड करना, क्रेडिट को लेस करना। कौन से बैलेंस में? क्रेडिट बैलेंस ऑफ केस बुक, केस बुक का क्रेडिट बैलेंस रहे तब डेबिट को एड, क्रेडिट को लेस। अब आपकी आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगी, क्वेश्चन पढ़ते से ही आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस ट्रांजेक्शन को, इस एंट्री को किस साइड में लिखा जाएगा और किस में, केस बुक में, पासबुक में। ठीक है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ दिया रहता है क्वेश्चन में। ट्रांजेक्शन को एज इट इज लिखना है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, एड और लेस के साइड में, कोई अलग से चेंजेस नहीं करना। ठीक है, मेन इसके अंदर यही है, कौन सा ट्रांजेक्शन एड होगा, कौन सा लेस होगा। ठीक है, हमने अभी तक दूसरी कंडीशन समझी है। फर्स्ट कंडीशन थी व्हेन देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ केस बुक, डेबिट बैलेंस था तब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, वो मैंने कल आपको बताया कौन से अमाउंट एड करेंगे, कौन से लेस करेंगे। अब क्रेडिट बैलेंस ऑफ केस बुक आज हमने समझा, उसमें ये ट्रांजेक्शन जब डेबिट बैलेंस था केस बुक का, तब कुछ अलग से चेंजेस नहीं थे, सिर्फ ये जो एड वाला जो ट्रांजेक्शन है उनको लेस करना रहता है और लेस वाले को एड, कब, जब डेबिट बैलेंस है। इस हमने पहले इसे देखा था डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस में जो एड किया मैंने अभी यहां पर, ये लेस करना था उसमें, और जो लेस किया था वो एड, अपोजिट हो गया। यहां पर क्रेडिट बैलेंस हुआ, इसमें डेबिट का क्रेडिट हुआ तो उसमें लेस का एड हो गया, एड का लेस हो गया। ठीक है, तो हमें एक चीज ये भी देखना है, समझना है, याद करना है आपको, डेबिट बैलेंस ऑफ केस बुक का याद रखो, सारी ट्रांजेक्शन कौन से को एड करना, कौन से को लेस करना। अब वो डेबिट बैलेंस से क्रेडिट हो गया अगर, तो फिर उनको अपोजिट कर लो, लेस वाले को एड, एड वाले को लेस कर देंगे। याद से पहले जो मैंने पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया, वो याद रखना है। एक याद रखोगे अपने आप याद आएगा, या फिर एक और शॉर्ट है, आप सारी चीजें याद रखना नहीं चाहोगे, याद नहीं होती हमें, तो हमें ये याद होना चाहिए कि ये जो ट्रांजेक्शन जो एंट्री है वो कौन लिखेगा। देखिए, और कहां लिखेगा, केसबुक में या पासबुक में। जैसे मैं एक एंट्री बोल रहा हूं, डिपोजिटेड इनटू द बैंक, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स रिसीवेबल, डिपोजिटेड इनटू द बैंक, चेक डिपोजिट करवाया हमने बैंक में। ठीक है, चेक डिपोजिट करवाया तो चेक हमने जमा करवाया, कस्टमर ने, बिजनेसमैन ने जमा करवाया, तो बिजनेस अपने मैन अपने यहां पर केसबुक बनाता है। ठीक है, पासबुक तो बनाता नहीं है वो, पासबुक तो बैंक बनाती है, केसबुक बनाता है वो। अब चेक जमा करवाया तो चेक से पेमेंट तो नहीं किया, जमा करवाया, यहां पर जमा करवाया तो डेबिट साइड में लिखेगा वो। ठीक है, पैसा मिलेगा उसे, इसका उसके अकाउंट में जमा करवाया तो डेबिट में लिखेगा केसबुक के, डेबिट साइड में बैंक वाले कॉलम में लिखेगा। अब डेबिट लिखा, सीधी बात हमें समझ में आ गया, डेबिट लिखेगा। अब डेबिट लिखेगा तो अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन से बैलेंस को लेकर बना रहा है, केसबुक के डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ये जो डेबिट किया है ट्रांजेक्शन इसे एड करेंगे, और अगर केसबुक का डेबिट बैलेंस से लेकर बना रहे हैं तो इस डेबिट ट्रांजेक्शन को लेस करेंगे। ठीक है,
ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको, वीडियो के द्वारा समझा रहा हूँ, इनको बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको, तो जाके समझ में आएगा, ठीक है। पर एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके स्टूडेंट, अभी हमने सेकेंड कंडीशन ए और बी दो कंडीशन देखी है, जिसमें डेबिट बैलेंस था कैशबुक का और क्रेडिट बैलेंस था कैशबुक का। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड टू कंडीशन।